नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक हिच कंट्रोल EHC-8 का उपयोग कैसे किया जाता है ताकि आपको अपने उपकरण के अधिकतम प्रदर्शन और कार्य कुशलता मिले। आपके लिए EHC-8 नया हो सकता है और इस उपकरण के चलान व संचालन हेतु कई प्रश्न भी हो सकते हैं। चिंता मत करिए, इस वीडियो के मदद से मैं आपको बताऊंगा कि आप इस उपकरण के लाभदायक तरीके से कैसे उपयोग कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं रेयर पुश बटन से। ये विभिन्न उपकरणों को ट्रैक्टर के साथ जोड़ने हेतु दिए गए हैं। ये बटन फेंडर के पास स्थित है। हिच को जोड़ने के लिए ट्रैक्टर को पहले चलाएं और बारीकी से बैकअप करें। ट्रैक्टर से उतरकर हिच को ऊपर या नीचे स्थानांतरित करें। उपकरणों को जोड़ने के लिए दो ऊपरी और दो निचली लिंकों को संलग्न करें। ट्रैक्टर पे आप एक नियंत्रण कक्ष देख सकते हैं, इसे लॉक किया गया है। ट्रैक्टर के इंजन को चलने के बाद व रेयर पुश बटन के उपयोग करने के बाद नियंत्रण कक्ष के स्क्रीन पर लॉक स्थिति दिखा जाती है। इस समय पे सभी बटनों को लॉक्ड किया गया है। ये सुरक्षा सुविधा हिच की किसी भी प्रकार से अनियंत्रित हिलने को रुकने के लिए दी गई है। नियंत्रण कक्ष को समर्थ बनाने के लिए TSC स्विच को अनलॉक की तरफ ले जाएं और स्टॉप स्थिति तक स्विच को ले आएं। TSC का मतलब है ट्रांसपोर्ट स्टॉप कंट्रोल, परिवहन रोको नियंत्रण। इस स्विच का उपयोग हिच को ऊपर या नीचे करने के लिए किया जाता है। ये घुंडी आपके हिच की न्यूनतम गति को सीमित करते हैं। हिच के साथ जुड़े भारी उपकरण के परिस्थिति में ये बहुत उपयोगी है। कछुआ धीमी गति और खरगोश तेजी से नीचे की ओर दबाव दर्शाता है। TSC स्विच को नियंत्रण स्थिति पर ले आएं। हिच को रोकने के लिए घुंडी को खचुए के तरफ पूरी तरह से घुमा दें। अपनी गति को चुनने के लिए घुंडी को धीरे धीरे खरगोश की तरफ घुमाएं। सुचारू रूप के हिच को जमीन पे टिका दें। इस घुंडी के उपयोग से हिच की अधिकतम ऊंचाई को सीमित करें। हिच को ऊपर उठाने के लिए अब TSC स्विच को परिवहन स्थिति पर ले आएं। अधिकतम ऊंचाई पाने के लिए पामावर्त घुमाएं। ऊंचाई सीमित अथवा कम करने के लिए घुंडी को दक्षिणावर्त घुमाएं। ये करना जरूरी है ताकि हिच ट्रैक्टर के साथ हस्ताक्षेप ना करें। दूलन व हिलाव रोकने के लिए EHC-8 की ये एक और सुरक्षा सुविधा है। इसे असुरक्षित ड्राइविंग परिस्थितियों को रोका जा सकता है, खासतौर पर जब ट्रैक्टर के पीछे बहुत भारी उपकरणों जुड़े हुए हों। दूलन रोकने वाला स्विच दबाइए। TSC स्विच का परिवहन स्थिति में होना जरूरी है। ये भी जरूरी है कि आप अपनी गति पर हर समय ध्यान रखें और इसे सदा नियंत्रित व समायोजित रखिए। EHC-8 की सबसे बड़ी विशेषता ये मिश्रण नियंत्रण घुंडी है। 100% मसौदा नियंत्रण के लिए घुंडी को वामावर्त घुमाएं। इस सेटिंग का प्रयोग समगुण मिट्टी में काम करने के लिए प्रयोग करें। मसौदा सेंसर के प्रयोग से मसौदा बल नापा जा रहा है और इसके आधार पर हिच के स्तर नियंत्रित और एक समान रखा जाता है। जुटाई के समय ये बल जुटाई के गहराई के बराबर है। 100% मसौदा नियंत्रण आसमान मिट्टी के लिए अनुकूल नहीं है और हम अधिकतर आसमान मिट्टी में ही काम करते हैं। मिश्रण नियंत्रण घुंडी को दक्षिणावर्त घुमाएं। मिश्रण की अधिकतम राशि कई पैमानों पर निर्भर करती है।
सबसे अच्छी और युक्तम सेटिंग को चुनाने के लिए अलग अलग सेटिंग पर थोड़ा काम करके परिणाम देखिए। इन परिणामों को ध्यान में रखते हुए इष्टतम सेटिंग चुनाएं। नीचे दर्शा गया चित्र दिखता है कि प्रणाली कैसी काम करती है। ये ट्रैक्टर 100% मसौदी के साथ आसमान मिट्टी में चल रही है। ये एक मैकेनिकल हिच कंट्रोल के सेटअप के साथ वाला ट्रैक्टर दर्शाता है। समान और निरंतर मसौदा बल बनाए रखने के लिए हिच नरम मिट्टी में हल को गहरा और सख्त मिट्टी में हल को थोड़ा ऊपर उठा देता है। इस काम का नतीजा असंतोषजनक है। आसमान जुठाई का परिणाम आसमान पौधे की वृद्धि है और इसका परिणाम कम पैदावार है। मिश्रण नियंत्रण घुंडी को स्थिति नियंत्रण प्रतीक की तरफ घुमाएं। अब प्रणाली गहराई को नियंत्रित करने के लिए स्थिति संकेत का भी इस्तेमाल कर रही है। आसमान मिट्टी में इसका परिणाम काफ़ी बेहतर और बहुत ही लाभदायक है। समान जुठाई और गहराई बेहतर फसल देती है। हिच को नीचे करने के लिए TSC स्विच को नियंत्रण स्थिति पर ले आएं। वांछित जुठाई गहराई स्थापित करने के लिए सेट पॉइंट व्हील का उपयोग करें। व्हील को इच्छित जुठाई गहराई पहुंचने तक दक्षिणावर्त घुमाइए। सेट पॉइंट व्हील पर संख्या बढ़ने पर जुठाई की गहराई बढ़ती है। जुठाई गहराई केवल एक बार नियंत्रित करें। हिच को TSC स्विच का उपयोग से चलाएं। फास्ट सिंक बटन दबाकर अपनी न्यूनतम गति बढ़ाएं। ये इच्छित गहराई की तरफ जल्दी पहुंचता है। समान स्थिति की आवश्यकता होने पर औजारों के लिए 100% स्थिति नियंत्रण चुनें। उदाहरण के लिए खाद या उर्वरक फैलाने के लिए स्प्रेयर या इस प्रकार के औजार। अब केवल स्थिति संवादक प्रणाली के लिए इनपुट है। अब फिर TSC स्विच को नियंत्रण की स्थिति पर ले आएं। इच्छित ऊंचाई स्थापित करने के लिए सेट पॉइंट व्हील का उपयोग करें। आपने बॉश रेक्सरोथ EHC-8 को चलाने के लिए इन सब चीज़ों को जानना ज़रूरी है। ध्यान रखिए कि EHC-8 प्रणाली के समुचित उपयोग से आपकी उत्पादन दक्षता आराम और सुरक्षा में वृद्धि होगी। और अधिक जानकारी के लिए www.boschrexroth.com/EHC को संपर्क करें।